आज राजनांदगांव जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ने लगी। दरअसल राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए 2 साल की बकाया धान राशि का अंतरण कर दिया है, जिससे किसानों के बीच में खुशी की लहर है। बता दें कि बीजेपी ने मोदी की गारंटी और प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुरू कर दी है। किसानों के 2 साल के बकाया धान की बोनस की राशि का अंतरण कर दिया है, जिसके चलते राजनांदगांव जिले के सहकारी केंद्रीय बैंक में अपने पैसे निकाल लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ रही है। आप लोगों को 2 साल का बोनस दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक लगा ना, मिल गया, बहुत लेट किया, लेट हुआ तो भी खुशी है। खुशी है, जो मांग रहे थे तो मिल गया ना भाई, खुशी है। देखिए, लगातार हम लोग 8 सालों से संघर्ष कर रहे थे, जो पिछला 2 साल का बोनस बचा था, और वो एक किसानों की स्वाभिमान की बात है। और 2 सालों में जो 300 की कीमत 8 साल में थोड़ा बढ़ गया है, तो इसके लिए बीजेपी को तो खेद करनी चाहिए कि हम लगातार संघर्ष किए, इसके लिए काफ़ी लंबा आंदोलन हुआ। और ये भी है, भूपेश सरकार जो 2 साल के बोनस देने के वादा करके आई थी, उसने देने का नाम ही नहीं लिया, इसलिए उसकी भी सरकार को जाना पड़ा। तो हम सरकार को या घोषणा पत्र में बोल करके किसानों को चुप कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी नहीं निकल सकती। खुशी है, देर सवेर हुआ पर कम से कम किसानों को 2 साल का बोनस मिला, तो किसानों में हर्ष है, रमाकांत मिल जा रहे हैं।